हिरण्यकश्यप ने यही कहा कि इसको जीवन में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए प्रहलाद को कि नारायण कोई है या नहीं, इसे बतलाओ, सब कुछ तुम्हारे पिता ही है। उसने कहा ठीक विचारे, दोनों गुरुजन सिखाने लगे, पर प्रहलाद के मन में तो नारायण बसा। वह हर समय केवल नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप करता, उसको तो केवल नारायण से प्रेम है, अन्य से थोड़ी है। आज पहली बार गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर प्रहलाद लौट कर आया, और प्रहलाद जब लौट कर आया है तो उससे उनके पिता द्वारा यह पूछा गया कि अरे प्रहलाद बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या सिखाया है। तो प्रहलाद ने कहा गुरुजनों ने मुझे बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कहा बताओ। कहा कि जीवन में सब कुछ एक ही तत्व है, सभी उसी में ही बसे हुए हैं, सभी को पालित भी वही करता है। हिरण्यकश्यपु सोचे शायद मेरा नाम ले। तो कहा बेटा वो कौन है। तो कहा संपूर्ण सृष्टि कर्ता धरता मेरे नारायण ही तो वो है। जैसे ही अपने पुत्र के मुख से नारायण का नाम सुना झल्ला गया। कहा तुमने ये सिखाया इसे नारायण। पुनः एक बार तुम्हें मौका देता हूं, इसकी जुबान पर नारायण का नाम नहीं आना चाहिए। विचारे दोनों गुरुजन हाथ जोड़कर लेकर जाते हैं प्रहलाद को। फिर प्रहलाद को सुंदर शिक्षा देते हैं, पर नारायण की इस बार भी नहीं दी, यही बताया नारायण कोई नहीं है। परंतु प्रहलाद की इच्छा मन सब कुछ नारायण से जुड़ चुका है, उसको केवल नारायण ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो प्रहलाद द्वारा इस बार भी जब शिक्षा प्राप्त करके आए तो कहा बेटा इस बार क्या बतलाया। तो प्रहलाद कितना सुंदर ज्ञान देते हैं कि उसको भजन करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम दास्य संख्य भावम च आत्मनिवेदनम, कि उसको अपनाना है तो प्रेम करो उससे, श्रवण करो सुनो कीर्तन करो उसका, पाद सेवन अर्थात चरणों का उसका वंदना करो अर्चना करो, अपने आप को उसका दास मानो, अपने आप को उसका सखा मानो, और अंत में उससे आत्मनिवेदन कर दो कि सब कुछ तुम ही हो हे नारायण, फिर नारायण का नाम सुन लो। जल्ला गया कि ये मानेगा नहीं। अब हिरण्यकश्यप प्रयास करता है अपने पुत्र को मारने का। हिरण्यकश्यप कैसे कैसे प्रयास करता है कि अपने पुत्रों को जो उनका पुत्र है प्रहलाद उसे बांध कर और समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। परंतु जब देखने जाता है तो बीच में तो प्रहलाद बैठे हैं और चारों ओर मछलियां कूद रही हैं और श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन चल रहा है। बड़ी प्रेम के साथ नारायण नारायण हरि हरि बज रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या हुआ, अब भी नारायण का नाम ले रहा है ये, तो अब क्या करें। तो उसको बांध कर जंगली हाथियों के आगे फेंक दिया, और जंगली हाथियों के सामने फेंकने पर जब अगले दिन जाकर देखता है तो प्रहलाद खुला हुआ है, हाथियों के ऊपर बैठा है और उनके साथ भी श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन कर रहा है। नारायण के नाम का उनके साथ भी वो रसास्वादन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकश्यप का ये तो नहीं मानेगा। तो अपनी बहन जिसका नाम है होलिका, जिसके पास एक ऐसा वस्त्र है कि जिसे अगर वह ओढ़ कर बैठ जाए, अगर वह उसे ओढ़कर बैठ जाए और तत्पश्चात उसके बाद में वह यह देख आग लगा दी जाए तो उस आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको वह आग कुछ भी नहीं कर सकती।
उसका वह आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वह उसको उड़कर बैठ प्रहलाद को दे दिया उसकी गोद में। प्रहलाद उसकी गोद में है और वह उसको उड़कर बैठ गया। तो अब वह अग्नि तो उस पर किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव तो दिखाने से रही, परंतु देखिए बात क्या हुई कि जब उस कमरे को आग लगा दी गई, तब अगले दिन देखा जाता है तो होली का तो वहां है नहीं, होली का जलकर राख हो चुकी है और उस वस्त्र के नीचे प्रहलाद लेटा है और प्रहलाद उसके नीचे श्रीमन नारायण का बड़े ही प्रेम के साथ कीर्तन कर, श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि कि मैं उस नारायण का ही बखान करूंगा जिसकी लीला सदैव सबसे निराली है, सदैव जिसकी लीलाएं सबसे अलग रहती है, सदैव जिसकी लीला सभी से भिन्न रहती है, हमेशा अलग अलग रहती है, उस नारायण का ही केवल कीर्तन करूंगा। हिरण्यकश्यपु थक चुका था, परंतु आज प्रहलाद के मित्र उसको पकड़ कर ले गए, कहा अरे तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ। प्रहलाद ने कहा मतलब, प्रहलाद ने कहा मतलब कि देखो कि जब भी हम तो देखो नारायण करते हैं, हम तो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें तुम्हारे पिता का डर लगता है। कहा मतलब, कहा हम नाम ले ले तो वो तो हमें मार दे, तुम इतनी बार कैसे बच गए और तुम्हें ये नारायण की ज्ञान आता कहां से है हमें ये तो बताओ। कहा मैं समझा नहीं। कब सुनो, क्योंकि मेरे गुरु ये दोनों नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी थे और ये संपूर्ण ज्ञान मुझे नारद जी के द्वारा ही मिला है। ये जो मैं बोलता हूं बखान करता हूं ये मेरा कुछ नहीं है, सब नारद जी की ही कृपा है, ये मेरे दोनों गुरु नहीं है। तो कहा इतना क्या आनंद आता है। कहा लो देखो, तो सबने अपने हाथ में, किसी ने वहां पर पड़ी कोई लकड़ी उठा ली, किसी ने मजीरा उठा लिया, कोई टेबल पे बैठ गया और सब प्रहलाद के साथ में श्रीमन नारायण नारायण हरि का कीर्तन करने लगे। अब नारायण हरि का कीर्तन करने लगे तो आवाज कीर्तन की यहां होगी तो यहां से बाहर भी जाएगी, तो कीर्तन की आवाज गई बाहर। गुरुओं ने कहा जो हमारे आश्रम में कीर्तन हो रहा है वो भी नारायण के नाम का, दो शिष्यों को भेजा कि जाओ उनको रोको भाई। वो आए, उन्होंने प्रहलाद से कहा रुको, जैसे ही हाथ लगाया कि वो भी करंट में समा गए, नारायण नारायण के कीर्तन में आनंद लेने लगे। दस को भेजा, वो दस भी उसी में लग गए। गुरु खुद आए प्रहलाद को रोकने के लिए, प्रहलाद को अरे रुक, पर जैसे ही प्रहलाद के हाथ लगा कि वो भी नारायण संकीर्तन में लग गए, क्योंकि प्रहलाद को छुआ, कानों में गया नारायण कीर्तन, सामने छवि किसकी, भगवान के भक्त की, नेत्रों से सामने वह कि अगर हमने नारायण नारायण नहीं सुना, अगर हमने नारायण किया तो हिरण्यकश्यप आ जाएगा, तो नाम चारों ओर केवल नारायण। और जब बुद्धि स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण नौदा भक्ति ही नारायण में लग जाए तो फिर आदमी को अपना ध्यान नहीं रहता। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, यानी पूर्ण रूप से उसमें जुड़ जाना। और जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें जोड़ लेता है फिर उसको भान नहीं रहता कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या करूंगा, कुछ पता नहीं है। फिर उसे वह अपने आप में मस्त हो जाए, पर जब तक नारायण की कृपा नहीं होती कुछ भी संभव नहीं। नारायण की कृपा होना बहुत मायने रखती है और उस ऐसे परमात्मा की कृपा हर किसी पर गलती से भी नहीं होती। जो उसका भक्त होगा, जीवन में ठोकर खाया हुआ होगा, और ठोकर भी क्यों, जब उसके पीछे जाएगा तो ठोकर मिलेगी, और जब ठोकर मिलेगी, अगर ठोकर खाकर वह नहीं संभला है तो भगवान मिलेगा। कैसे, कि व्यक्ति को जब परमात्मा की ओर बढ़ेगा तो उसे ठोकर पहले ये मिलेगी
कि उसको जीवन में घाटे लगने शुरू हो जाएंगे। तो व्यक्ति जब घाटे लगेगा तो किसके पास जाएगा? परिवार के पास सहायता है, परिवार के हाथ खड़े कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनकी स्मृति में उस भगवान का वास होता है। कहा बिल्कुल नहीं, मदद मत करना इसकी, क्या पता तुम्हारे भी पैसे दे पाए ना दे पाए, तो वो उनके हाथ खड़े हो। मित्रों के पास जाता है, मित्र और सब अपनी असमर्थता दिखा देते हैं कि हम तेरी मदद नहीं कर सकते। परिवार दूर, मित्र दूर, कुटुंब दूर। अब व्यक्ति की बात आती है अपने आप, मैं भी कमा सकता हूं, मैं अकेला थोड़ी हूं। अब खुद ट्राई कर, जरूरी है अपने आप पर व्यक्ति को कि वह अपने आप सब कुछ करना चाहे, कोई साथ ना हो तो अकेला चल दे। परंतु अकेले पर भी अभिमान से नहीं कि कोई साथ नहीं है तो क्या मैं हूं ना, ये नहीं। जब तक उस भगवान की कृपा नहीं होती, द्रौपदी के बारे में जरा सुनिएगा कि जिस समय दुष्ट दुशासन उसकी साड़ी का खींच रहा था, उसे अपमानित कर रहा था, तो उसके मन में यही थी कि ये इतने बड़े बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, ये मेरे साड़ी को ऐसे इसकी इज्जत को उतारने थोड़ी देंगे। भीष्म पितामह ने आंखें नीचे कर ली, असमर्थता बतला दी। उनसे बड़ियों से सभी से सहायता की गुहार की, पर कोई नहीं है। अरे मेरे पति बैठे हैं, उनसे गुहार की, वो भी नस नीचे करके खड़े हैं। अरे अभी तक तो मैं खुद हूं, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। साड़ी को पकड़ के खींचने लगी, पर वो दुष्ट दुशासन कहां उसके हाथ आने वाला। जब थक गई तो कहा मुझे कोई नहीं बचाने वाला। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तब जाकर कृष्ण याद आए, और जैसे ही मेरे कृष्ण को पुकार लगाई है, दुष्ट दुशासन भी घूम गया। साड़ी बीच नारी है कि नाड़ी बीच साड़ी, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी। साड़ी नारी बन चुकी थी या नारी के अंदर साड़ी थी, ये पता नहीं चला उसे। यानी जब छोड़ देते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तो परमात्मा मिलता है। यशोदा कृष्ण को बांध कर थक चुकी थी, पर जब अपने आप को असमर्थ मानकर कहा लाला अब तो बंद जा फल से, जैसी असमर्था बताई कहा प्रेम से बंद जा, कृष्ण बंद गए। यानी जीवन में प्रेम जरूरी है, जब प्रेम आता है तो भाव भी आ जाता है। तो ऐसे ही प्रहलाद भगवान बतलाते हैं नारायण के कीर्तन का वर्णन। सभी उसमें आ रहे हैं और नारायण में बनकर लग जाते हैं। नारायण के कीर्तन में आवाज पहुंची हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु ने कहा नारायण का कीर्तन, दौड़ कर आया। बुद्धि थी, कहा अगर मैंने इनको हाथ लगाया तो मैं भी नारायण का जाप करने लगूंगा। नहीं किया, जोरदार मुष्टिक का प्रहार जमीन पे किया है, जमीन में टेढ़ चल गई। सभी शांत रुक गए। कहा तुझे बड़ा भरोसा है अपने नारायण पर? प्रहलाद के बाल पकड़ लेकर खींच कर लेकर आया है। कहा बता आज तेरा नारायण मुझे भी कहां पर भी है, मैं भी देखूं। बता कहां है तेरा नारायण? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी पूछना क्या आप में नारायण, मुझ में नारायण, यहां नारायण, वहां नारायण, इस खंभे में भी नारायण है। कहा इस खंभे में नारायण है। अपनी तलवार से उस खंभे पर प्रहार किया है। सुर अनेक फिरे कण मांगत, पर पे पद सुर सो स्वाद कहा। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कईयों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। नारायण बसे प्रतिखंब में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नारायण तो आज भी प्रत्येक खंब में है, पस निकालने के लिए वैसा प्रहलाद भक्त चाहिए। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। नरसिंह बसे प्रतिखंब में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। बस उस नरसिंह को प्रकट करने वाला वह भक्त प्रहलाद ही तो चाहिए। और प्रहलाद की भक्ति इतनी ऊपर निकल गई कि हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे पे प्रहार किया है, और हुमारंभ करते हुए उसमें से आधा मानव और आधा सिंह के शरीर का भगवान नर और सिंह बनकर अवतरित होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यानी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ये नहीं देखा कि स्थान कौन सा है, उस खंभे में से भी फाड़ कर भगवान बाहर आ जाए। हिरण्यकश्यप उस रूप को देखकर डर जाता है,
आपस में दोनों भीषण युद्ध करने लगते हैं। युद्ध चलते चलते जिस समय गोधूली वेला का समय सायंकाल आने को होती है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दौड़कर पकड़ लेते हैं, उसकी दहलीज पे ले जाकर अपनी जंगा के ऊपर उसे शयन अवस्था में लिटा देते हैं। कहा मैं तुम्हें मारने आया हूं। कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं, मुझे मारने वाला कोई हुआ नहीं। कहा मांग कौन से वरदान मांगे? कहा मैंने मांगा दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो कहा अभी दिन है या रात? कहा अभी तो ना दिन है ना रात है, अभी तो सायंकाल का समय है, गोधूली वेला है। तो कहा मैंने वरदान मांगा ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जंगा के ऊपर बीच में है। कहा मैंने वरदान मांगा अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो कहा ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखून से मारूंगा। कहा मैंने यह वचन भी मांगा था ना तो किसी नर से मरूं ना किसी जानवर से। तो कहा बता मैं नर हूं या जानवर? कहा अब तो नर भी हो जानवर भी हो, नर भी नहीं हो जानवर भी नहीं हो। तो कहा और बोल। कहा मैंने तुमसे वरदान ये भी मांगा था कि 12 महीने में ही कभी नहीं मरूं। तो कहा जा आज से तेरे लिए नया महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास 13वें महीने की भी घोषणा की। तो कहा अब तो आप मुझे मार ही नहीं सकते। कहा क्यों? कि मैंने यह भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा के बनाए किसी भी इंसान से न मरूं। तो कहा मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं। कहा आप कौन? कहा नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना दौड़ पड़ा अपनी तलवार उठाने के लिए। भगवान ने उसे दौड़कर पकड़ लिया है, दरवाजे के बीच में लाकर अपनी जंगा पे रखकर अपने दोनों बड़े बड़े नाखूनों से हाथों के उसको चीर कर उसकी नलिकाओं को निकालकर अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा भी किया। और यह जो दृश्य है यह देखकर देवता भी डर चुके हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से खून से लथपथ है। उनकी जो नाड़ियां हैं उसकी वो उन्होंने अपने गले में धारण करके रखे, सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। सभी डर कर पीछे खड़े हैं। ब्रह्मा जी आ चुके हैं वहां पर, सभी देवी देवता इंद्र सब आगे। कहा अगर भगवान को शांत नहीं किया तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, यह नीचे चली जाएगी, कुछ तो करो, क्या किया जाए? सोचने लगे विचारने लगे। तो कहा जाओ जाओ लक्ष्मी जी को बुला। दौड़ कर गए, कहा लक्ष्मी जी चलिए भगवान आज क्रोधित है। लक्ष्मी जी ने कहा भाई ऐसे होते तो नहीं है, कभी आ जाता है, चलो चलो मैं शांत करा दूं। लक्ष्मी जी जैसे ही नीचे आई और भगवान का वो विशाल रूप देखा, वहां से सीधी दौड़ लगाई और जाकर बैकुंठ में रुकी। कही भाई ऐसा मेरा पति नहीं हो सकता, ये मेरा पति नहीं, ऐसा रूप नरसिंह। और जब कोई काम नहीं आया तो काम कौन आया? भगवान का भक्त। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर है क्यों खड़ा? मनुष्य अहंकार करे तो भाई थोड़ा जमीन से ऊपर उड़। मानव कहता मैं बड़ा तो पृथ्वी पर है क्यों खड़ा? पृथ्वी कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़? शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों बसे? कैलाश कहता मैं बड़ा, कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा? रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों बड़ा? बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा? अब श्री राम जी भी कहते मैं बड़े तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े? हनुमान ने अपने सीना चीर के दिखा दिया, भगवान क्या बोलते हो आप तो मेरे यहाँ पर प्रेम। यहाँ से हनुमान ने अपना बतलाया है, एक बार प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा कर। प्रहलाद को आगे भेजा गया है कि भाई हमसे तो ये नहीं संभलेंगे, अब तुम ही जाओ और इन्हें शांत कराओ कैसे ही करके। प्रहलाद को आगे भेजा गया। जैसे ही नरसिंह ने प्रहलाद को देखा है उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया है, प्रेमाश्रुओं से उसका मस्तिष्क भिगो दिया है, जीभ से उसको मुख को चाट रहा है। कहा बड़ा ही विचित्र भक्त है, मेरे लिए इतने कष्ट सहे, इतनी सी बात थी कि मेरा नाम न लेता तो बच जाता, पर मेरे नाम लिया
और एक मेरे नाम के पीछे तूने इतने कष्ट सहन कर लिए।